हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मूवी मिशन रानीगंज के बारे में, स्टारिंग अक्षय कुमार, पंडित चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, रवि किशन, जमील खान। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर तीनू सर देसाई ने, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सर्वाइवल मूवी को डायरेक्ट किया है। हर एक सीन, हर एक जो चीज़ है यहाँ पे कैप्चर की गई थी, एकदम इमोशन से भरपूर थी, दिल को छू जाती है। इस तरीके की ये कहानी सर्वाइवल वाली कहानी है। बेसिकली ये जो कहानी है मिशन रानीगंज, एज द नेम सजेस्ट, ये एक मिशन है, रेस्क्यू मिशन है, बाय जसवंत सिंह गिल, प्लेड बाय अक्षय कुमार, जो 1989 में माइन कोल खदान जो है, एक वक्त पे 1989 में जब 65 से 71 65 से 71 ऐसे वर्कर जो है माइन के नीचे पानी के बहाव में आके दब चुके थे, अब उनको बाहर निकालना है, ये मिशन है। वो हाथ में लेते हैं हमारे जसवंत सिंह गिल, प्लेड बाय अक्षय कुमार, और जो सरदार का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, हर एक सीन, हर एक न्यूएंसेस, हर एक चीज़ जो उन्होंने पकड़ी है। ऑफ कोर्स ऑलरेडी वो पंजाबी है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। एक्शन से लेके, बोली से लेके, जिस तरीके का पहरावा है, जिस तरीके का लैंग्वेज है, माहौल एकदम सेट कर देता है। हम देखने में मज़ा आ जाता है और हम एज ऑफ द सीट ऐसा फील होता है, सब फील होता है। मेरे आजू बाजू में लोग खुद ऐसा प्रे कर रहे थे जब वो बचाने के इसमें लग जाता है अक्षय कुमार का कैरेक्टर जसवंत सिंह के। और इसमें दो तरीके की कहानियाँ पे चलती है साइड बाय साइड। यहाँ पे कहानी चलती है, वो एक है कि कैसे जसवंत सिंह गिल के सामने दो ऐसे रोड़े खड़े होते हैं कि वो उनकी मुसीबतें बढ़ाते रहते हैं, और दूसरी तरफ जो खदान में पड़े हुए जो वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलियाँ बाहर वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है, उनका सामना करना है। और सारी चीज़ों के बीच में किस तरीके से जसवंत सिंह गिल और उसकी कंपनी मिल के ये जो रेस्क्यू मिशन है सक्सेसफुली पास करती है, ये कहानी है मिशन रानीगंज की। इसमें हर एक सीन स्टार्ट से लेके एंड तक मज़ा आ जाता है, सरवाइव कैसे करते हैं। और मतलब कॉमेडी भी यहाँ पे सटीक तरीके से रखी गई है, रवि किशन हो, उनकी कॉमेडी, उनका रोना, उनका हंसना, उनका चिल्लाना, मर जाएंगे किस तरीके से, जिएंगे क्या करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत बखूबी तरीके से दिखाई गई है। जमील खान जो हमारे बेहतरीन कलाकार में से एक है, वेब सीरीज जिनकी आई थी पॉडलक या गुडलक करके कोई एक वेब सीरीज थी, मज़ा आ गया था। यहाँ पे भी वो एकदम किलर परफॉर्मेंस देते हैं। अक्षय कुमार एज यूजुअल, सरदार का जो कैरेक्टर गेटअप उन्होंने लिया है, क्या ही बोलूँ। वो एंडिंग में, क्लाइमेक्स में जो सीन है, जो वो प्रेयर करते हैं गुरुजी से, जो भगवान से आराधना करते हैं, अरदास करते हैं, वो सीन बहुत ही इमोशनल है। और यहाँ पे परिणीति चोपड़ा भी ठीक ठाक उन्होंने काम किया है यहाँ पे, तो उनका काम भी ओवरऑल ठीक ठाक था। बाय द वे टीनू सर देसाई जो डायरेक्टर है, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने डायरेक्ट किया है हर एक सीन, हर एक पिक्चर में जो आने वाले पिक्चराइजेशन किस तरीके से करना है, खदान की जो चीज़ें हैं, फिर पानी किस तरीके से बहेगा, कहाँ पे बहेगा, कितना बहेगा, हर एक सीन का अच्छे से ख्याल रखा गया है ताकि हम उस जर्नी में बहते चले जाए, बहते चले जाए, और हमारे आंखों से आंसू रुके नहीं, रुके नहीं, रुके नहीं। इस तरीके की एक कहानी है मिशन रानीगंज। यहाँ पे एडिटिंग भी बहुत फास्ट थी, तेज तर्रार थी, इसलिए कुछ ऐसे सीन हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए था, और थोड़ी बहुत स्टोरी हमें बतानी चाहिए थी जो कैरेक्टर्स है उनकी। बाय द वे ओवरऑल कहानी अच्छी है, कैरेक्टराइजेशन भी अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी, पावरफुल है, डायलॉग्स एकदम दमदार है, म्यूजिक टच कर जाता है, दिल को टच कर जाता है यार म्यूजिक। सिनेमेटोग्राफी जो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ के लिए बेस तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा था। सो ओवरऑल मिशन रानीगंज जो है वो हर एक तरीके से परफेक्ट मूवी थी देखने के लिए। हालांकि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, जो यहाँ पे
मूवी को रिस्पेक्ट नहीं मिली है ना, मूवी जो ये डिजर्व करती है वो थिएटर में मिली नहीं। सो आई फील सैड कि यार अक्षय कुमार की इतने टाइम के बाद एक अच्छी खासी मूवी आई है, देखने में लोग गए नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल मिशन रानीगंज परफॉर्मेंस वाइज, स्टोरी वाइज, डायलॉग वाइज, म्यूजिक वाइज, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, बहुत कुछ, हर एक चीज़ में टॉप नॉच है। मैं मिशन रानीगंज को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी ये मूवी आप नीचे लिख कर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और ये ऐसे ही वीडियो इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नहीं देखी है मिशन रानीगंज, अभी जाइए देखिए, बुक करिए, क्योंकि इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, मस्ट वॉच। और ये जो है ना हमारे हिस्ट्री के किताब में, टेक्स्ट बुक में जसवंत सिंह गिल की कहानी होनी ही चाहिए, इस तरीके की कहानी है। थैंक यू दोस्तों।